नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का न्यू वर्ल्ड टेक चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है, रेलवे में ग्रुप डी और लोको पायलट की परीक्षाओं को लेकर के यहां पर एक न्यूज जारी हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप सभी के कुछ सवाल ऐसे हैं जो परीक्षाओं को लेकर के हैं, वो आपके डाउट्स यहां पर क्लियर होने वाले हैं, बने रहे पूरे वीडियो में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, यहां पर हम रेलवे भर्ती की पल पल की आपको अपडेट दे रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर आपको अगर आप रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए यहां पर फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस दी जा रही है जिसमें आप सिलेक्शन पा सकते हैं फ्री ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा। और यहां पर जनरल साइंस, करंट अफेयर और रीजनिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपको यहां पर फ्री में मिल रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा करके और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस बेल आइकन को दबाने पर ही आपको हमारे चैनल के वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल पाएगा सबसे पहले। और दोस्तों आप वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं इस लेटेस्ट अपडेट की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का माइंड क्विज क्वेश्चन है, इनमें से कौन रामायण के मुख्य पात्रों में से एक है जो महाभारत में भी नजर आते हैं? ऑप्शन है वेदव्यास, दुर्योधन, दशरथ या हनुमान। तो दोस्तों फटाफट से इसका सही जवाब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए और बन जाइए आज के स्मार्ट व्यक्ति। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों रेलवे परीक्षा में इस बार सबको मिलेंगे अलग अलग सवाल, ये न्यूज प्रकाशित हुई है अमर उजाला के न्यूज चैनल में 15 मई को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए आरआरबी ने तैयार करवाया बड़ा क्वेश्चन बैंक और रिकॉर्ड आवेदन आने की वजह से अभी ऑनलाइन परीक्षा तिथि तय नहीं हो पा रही है। मेन खबर जो क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर साफ साफ बताया कि इसके लिए रेलवे ने एक बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार करवाया है और इस तरह से भर्ती परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर के जरिए अलग अलग प्रश्न मिलेंगे, ऐसे में पहले से तैयार प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। आरआरबी सूत्रों के मुताबिक बोर्ड द्वारा क्वेश्चन बैंक तैयार होने के बाद किसी के लिए भी संभव नहीं होगा कि परीक्षा में आने वाले सवालों का अनुमान लगाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप जहां पर ऑनलाइन टेस्ट देने जाएंगे कंप्यूटर पे, वहां पर आपके पास वाले को भी वही सवाल मिलेंगे जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि रेलवे ने जो इस बार सिस्टम तैयार किया है वो इस तरीके से रहेगा कि जो आप सवाल देंगे उसका सवाल जो होगा आपके पास वाले का वो अलग सवाल होगा। तो दोस्तों आप अपने आप पर विश्वास करिएगा एग्जाम देते वक्त, ना कि पास वाले पर। ठीक है, तो आप अपनी तैयारियां खुद ही कीजिए, कंटिन्यूस कीजिए, जो भी हो सके आप तैयारियों में लगे रहिए, क्योंकि आपके पास समय हो सकता है इस बार कम मिले। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी तक परीक्षा की जो डेट है वो फाइनल नहीं हो पा रही है, लेकिन दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप अपनी परीक्षा की तैयारी कंटिन्यूस रखिए, परीक्षा कभी भी हो सकती है और आप हमारे चैनल से जुड़ करके भी परीक्षाओं में पास हो सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं रेलवे में ग्रुप डी लोको पायलट में, क्योंकि यहां पर हम आपको फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप जो भी ऑनलाइन टेस्ट देते हैं उसमें ये मान के चलिए कि आपकी तैयारियों को आप जज कर सकते हैं कि कितनी आपकी तैयारियां हो चुकी है, क्योंकि कई बच्चे हैं जो कि हमारी ऑनलाइन टेस्ट में भाग ले रहे हैं और बढ़ चढ़ करके अच्छे से अच्छे तैयारियां कर रहे हैं। तो दोस्तों आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि वीडियो आप देखते हैं लाइक नहीं करते तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों में इसे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।